हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर्स फ्रेंड्स इस वीडियो से पहले एक्सरे ट्यूब और एक्सरे फिल्टर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और फ्रेंड्स रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर के बारे में एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर इज ए डिवाइस दैट इज अटैच टू ओपनिंग इन द एक्सरे हाउसिंग टू रेगुलेट द साइज एंड शेप ऑफ एक्सरे बीम मतलब एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सरे बीम के साइज और शेप को रेगुलेट करता है और रेगुलेट करने के लिए यह एक्सरे ट्यूब के हाउसिंग के ओपनिंग से अटैच होता है इस डायग्राम के हेल्प से अपन एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर के बारे में जानते हैं यह एक्सरे ट्यूब होता है इसमें एनोड और कैथोड होते हैं एक्सरे ट्यूब एक ट्यूब हाउसिंग में इनक्लोज होती है एनोड से ट्यूब के नीचे की ओर रेडिएशन बाहर आता है यहाँ पर अपन ने एक फिल्टर भी लगा दिया था अब ट्यूब हाउसिंग या बीम एग्जिट पॉइंट पर एक डिवाइस लगा देते हैं जिसे हम कॉलीमीटर कहते हैं यह कॉलीमीटर एक एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर का काम करता है इस कॉलीमीटर से अपन एक्सरे बीम की साइज और सेप को कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर से स्केट रेडिएशन कम होता है पेशेंट डोज भी कम होती है और इमेज कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होता है अब टाइप्स ऑफ बीम रिस्ट्रिक्टर की बात करते हैं यह है थ्री टाइप के होते हैं फर्स्ट है अपर्चर डायफ्राम सेकेंड है कोण और सिलेंडर थर्ड है कॉलीमीटर्स तो आइए इनकी वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं सबसे पहले अपर्चर डायफ्राम की बात करते हैं इट इज ए सिंपलेस्ट डिवाइस मतलब यह है एक सिंपल डिवाइस होता है मेड अप ऑफ ए सीट ऑफ लेड विथ ए होल इन द सेंटर। मतलब अपर्चर डायफ्राम एक पतली लेड की सीट से बना होता है और इसके सेंटर में एक होल बना होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है अपर्चर डायफ्राम रेस्ट्रिक्टर होता है और इसके बीच में एक सर्कुलर होल बना होता है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज एंड सेप ऑफ एक्सरे बीम मतलब यह रेस्ट्रिक्टर एक्सरे बीम के साइज और सेप का निर्धारण करता है द अपर्चर डायफ्राम इज अटैच डायरेक्टली टू द एक्सरे ट्यूब मतलब अपर्चर डायफ्राम डायरेक्ट एक्सरे ट्यूब से जुड़ा होता है वन डायफ्राम इज यूज इन ईच पर्टिकुलर साइज ऑफ फिल्म मतलब प्रत्येक पर्टिकुलर शेप की फिल्म के लिए एक डायफ्राम का यूज किया जाता है आइए अपर्चर डायफ्राम को इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं एक्सरे ट्यूब में यह फोकल स्पॉट होता है और फोकल स्पॉट से एक्सरे बीम इस प्रकार से निकलती है इस लेड की थिन सीट को या अपर्चर डायफ्राम को रेडिएशन एग्जिट पॉइंट पर या ट्यूब हाउसिंग के ओपनिंग पर लगा देते हैं तो रेडिएशन इस होल की साइज और शेप से बाहर निकलती है यह डायफ्राम गोलाकार स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर सेप का भी हो सकता है लेकिन जब अपरचर डायफ्राम फोकल स्पॉट के पास में होता है तो फिल्म पर पेनम्ब्रा बनता है अगर फिल्म पर पेनम्ब्रा कम करना है तो फोकल स्पॉट और अपर्चर डायफ्राम की डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए मतलब अपर्चर डायफ्राम को फोकल स्पॉट से थोड़ा दूर लगाते हैं अपर्चर डायफ्राम के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं द साइज एंड सेप इज फिक्स्ड मतलब इसका साइज और सेप फिक्स होता है इट प्रोड्यूज लार्ज पेनम्ब्रा मतलब यह लार्ज पेनम्ब्रा को प्रोड्यूस करता है रेड्यूज शार्पनेस एंड रिजोल्यूशन मतलब यह शार्पनेस और रिजोल्यूशन को कम करता है यह तीनों इसके इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज होते हैं सेकंड है कॉन्स एंड सिलेंडर्स आर मोडिफिकेशन ऑफ द अपर्चर डायफ्राम। मतलब यह अपर्चर डायफ्राम का मोडिफिकेशन होता है हैवी मेटल बेस लाइक लेड मतलब यह हैवी मेटल बेस जैसे लेड से बने होते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह कॉन्स है और यह सिलेंडर टाइप रेस्ट्रिक्टर्स होते हैं इट हैज एन एक्सटेंडेड मेटल स्ट्रक्चर विथ प्रोड्यूज ए सर्कुलर इमेज मतलब कोण और सिलेंडर रेस्ट्रिक्टर्स एक एक्सटेंडेड मेटल स्ट्रक्चर है जो एक सर्कुलर इमेज मतलब गोलाकार इमेज बनाती है जो कौन सो होते हैं वह है फ्लैर सेप के होते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह फ्लैर सेप का कोण होता है कोण में यह बेस्ट प्लेट होती है और यह कॉनिकल फ्लैर होती है कोण में बीम रेस्ट्रिक्शन के रूप में बेस प्लेट ही काम करती है इस साइड वाले डायग्राम से अपन अच्छे से समझते हैं देखो यह है फोकल स्पॉट होता है और यहाँ पर अपन कौन लगा देते हैं जब फोकल स्पॉट से एक्सरे बीम निकलेगी तो यह बेस प्लेट से होकर ही फिल्म पर आएगी इसमें एक्सरे बीम की साइज से कॉनिकल फ्लेयर की साइज ज़्यादा होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरे बीम की साइज कम है और कॉनिकल फ्लेयर की साइज ज़्यादा है सिलेंडर्स बीम रेस्ट्रिक्शन एट द फार एंड ऑफ द बैरल सो लेस पेनम्ब्रा एंड द इमेज कॉन्ट्रास्ट इज इम्प्रूवड मतलब जो सिलेंडर्स होता है उसमें एक्सरे बीम बैरल से दूर एंड पर रेस्ट्रिक्शन करती है और पेनम्ब्रा भी कम बनता है और उसका इमेज कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होता है इसको इस डायग्राम के हेल्प से समझते हैं यह एक्सरे ट्यूब का फोकल स्पॉट होता है और यह सिलेंडर लगा देते हैं जो फोकल स्पॉट से एक्सरे बीम निकलेगी और जहां सिलेंडर का एंड होता है वहां पर इसका बीम रेस्ट्रिक्शन होता है जिससे आप देख सकते हैं यहां पर पेमंबरा भी कम बनता है यहां पर आप देख सकते हैं जो सिलेंडर का एंड वाला पार्ट होता है वहां पर बीम रेस्ट्रिक्शन करती है जिससे पेनम्बरा कम होता है और इमेज कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होता है और कोण में बीम रेस्ट्रिक्शन बेस्ट प्लेट पर होता है और सिलेंडर में एंड वाले पार्ट पर बीम रेस्ट्रिक्शन होता है कोण और सिलेंडर रेस्ट्रिक्टर्स का यूज मस्टोइड सेला और टीएम जॉइंट के एक्सरे करने में किया जाता है थर्ड नंबर है कोलिमीटर बेस्ट ऑलराउंड बीम रिस्ट्रिक्टर डिवाइस मतलब जितने भी बीम रिस्ट्रिक्टर होते हैं उनमें से सबसे बेस्ट यह बीम रिस्ट्रिक्टर डिवाइस होता है जनरली इंक्लूड फिल्टर एंड लाइट कॉलीमीटर में जनरली फिल्टर और लाइट इंक्लूड होते हैं द कॉलीमीटर इज अटैच टू एक्सरे ट्यूब बिलो द ग्लास विंडो मतलब कॉलीमीटर ग्लास विंडो के नीचे एक्सरे ट्यूब से अटैच होता है द मोस्ट कॉमन बीम रेस्ट्रिक्टिंग बीम डिवाइस इज द लाइट लोकलाइजिंग वेरिएबल अपर्चर कोलीमीटर मतलब कॉलीमीटर मोस्ट कॉमन बीम रिस्ट्रेक्टर करने वाला डिवाइस होता है जो लाइट लोकलाइजिंग वेरिएबल अपर्चर कोलीमीटर होता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलीमीटर सर्वस टू कंट्रोल ऑफ फोकस रेडिएशन मतलब कॉलीमीटर का फर्स्ट पार्ट फोकस रेडिएशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है कॉलीमीटर के कुछ एडवांटेज होते हैं प्रोवाइड्स एन इन्फीनाइट वेराइटी ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड्स मतलब रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड्स मतलब आयताकार एक्सरे फील्ड्स की एक इंफीनाइट वैरायटी प्रोवाइड करता है मतलब यह रेक्टेंगुलर अलग अलग एक्सरे फील्ड्स प्रोवाइड करता है मतलब कॉलीमीटर में एक्सरे फील्ड्स अपन को जिस साइज में चाहिए है, उस साइज में अपन कॉलीमीटर को सेट करते हैं सेकंड है लाइट बीम शो सेंटर एंड एग्जैक्ट कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एक्सरे फील्ड मतलब कोलिमेटर लाइट बीम का सेंटर और एक्सरे फील्ड के एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है मतलब कोलिमेटर एक्सरे बीम का सेंटर और फिल्म पर जितनी साइज में लाइट गिरती है उतने एरिया में ही रेडिएशन निकालता है यह कोलिमेटर के दो मोस्ट एडवांटेज होते हैं अब कोलिमेटर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं टू सेट ऑफ सेटर्स टू कंट्रोल द डायमेंशन मतलब कॉलीमीटर में डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए सटर के दो सेट होते हैं यह दोनों सटर के सेट क्रॉस हेयर पोजीशन पर होते हैं इच्सटर कंटेंट्स फोर और मोर लेड प्लेट्स विच मूव इन इंडिपेंडेंट पेर्स मतलब शटर में चार या चार से अधिक लेड प्लेट होते हैं जो इंडिपेंडेंट पैरस से मूव करते हैं मतलब यह प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है शटर के टू सेट होते हैं और इसमें चार लेड प्लेट होती है वैन द शटर्स आर क्लोज दे मीट एट द सेंटर मतलब जब शटर बंद हो जाते हैं तो सब शटर के सेंटर मिल जाते हैं द कॉलीमीटर आल्सो हैज ए लाइट बल्ब एंड ए मिरर मतलब कॉलीमीटर में एक लाइट बल्ब और एक मिरर भी होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट बल्ब होता है और यहाँ पर मिरर लगा होता है द लाइट बल्ब इज पोजिशनेड लेटरली मतलब कॉलीमीटर में जो लाइट बल्ब होता है वह कॉलीमीटर में लेटरल साइड में होता है द मिरर इज एट एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री कोलीमीटर में जो मिरर होता है वह फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पर होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह लाइट बल्ब कॉलीमीटर में लेटरल साइड में होता है और यह मिरर 45 डिग्री के एंगल पर होता है द टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब एंड द लाइट बल्ब शुड बी द एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द मिरर मतलब एक्सरे ट्यूब और लाइट बल्ब का टारगेट मिरर के सेंटर में एक्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए कॉलीमीटर कैन आल्सो आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द एक्सरे फील्ड मतलब जो कोलिमीटर है वह एक्सरे फील्ड के सेंटर को भी शो करता है आप कभी कोलिमीटर देखना उसके बाहर एक प्लेक्सी ग्लास की सीट लगी होती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह कोलिमीटर के सेंटर में एक प्लेक्सी ग्लास की सीट लगी होती है इस सीट पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्लैक कलर का क्रॉस का निशान होता है यह क्रॉस का निशान लाइट में एक्सरे फील्ड के सेंटर को बताता है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिसे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा